सरप्राइज थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा मुगलान में एक महिला का शव शत्रुघ्न निषाद की खेत में गाड़ा मिला। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पिपराइज थाने की पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर शव को बरामद किया, जिसकी पहचान ग्राम पिपरा मुगलान की गीता देवी की पुत्री राधिका के रूप में हुई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि हत्या के कारणों को जानने के लिए पूछताछ की जा रही है। मृतका की माता गीता देवी द्वारा अपने दामाद के खिलाफ दहेज हत्या के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज प्रातः थाना पिपराइच पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात महिला का शव शत्रुघ्न निषाद के खेत में गाड़ा गया है। इस सूचना पर थाना पिपराइच की पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल शव को बरामद करके और उसकी पहचान कराई। उसकी पहचान ग्राम पिपरा मुगलान की श्रीमती गीता देवी की पुत्री के रूप में हुई। उसको पोस्टमार्टम पंचायतनामा करके और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, जिससे मृत्यु का कारण जाना जा सके। इसी संबंध में श्रीमती गीता देवी द्वारा अपने दामाद को नामित करते हुए दहेज हत्या के संबंध में तहरीर दी गई, जिसपे कि दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है।